नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लखीमपुर हिंसा कांड में योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर सुलह का रास्ता तैयार कर लिया। मरने वाले किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। योग्यता के हिसाब से परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भरोसा भी दिया गया। हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और न्यायिक कमेटी भी बनाई गई। हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम एफआईआर में दर्ज है, साथ ही केंद्रीय मंत्री का नाम भी एफआईआर में लिखा गया। किसान संगठनों के नेताओं को लखीमपुर जाने और पीड़ित परिवारों से बात करने से नहीं रोका गया। राज्य के प्रशासन और किसान संगठनों के बीच चर्चा के बाद शर्तें रखी गई, सभी शर्तों को सरकार ने मान लिया। योगी सरकार के इस फैसले के बाद मरने वाले किसानों के परिवार समझौते के लिए राजी हो गए, लेकिन इस सब के बाद भी सियासी कलह जारी है। सुलह हो गई फिर भी सियासी कलह है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब लखीमपुर शांत है और समझौता हो चुका है तो ये सियासी दौरे क्यों हो रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दौरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह सिर्फ पर्यटन है। तो यह किसान हित है या पॉलिटिकल पर्यटन, यह सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ, समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव और राजनीतिक विश्लेषक, और वो खुद कहते हैं कि वो राइट विंगर राजनीतिक विश्लेषक हैं, रजत सेठी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जो आरोप लग रहा है वो सवाल आपसे गौरव, क्यों जब लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, न्यायिक कमेटी भी बना दी गई, किसानों के परिवारों से समझौता हो गया, परिवार कह रहे हैं कि हां प्रशासन ने मदद की, बहराइच के किसान का दूसरी बार पोस्टमार्टम हो गया जैसी मांग हुई थी, तमाम वो बातें जो मांगे हो रही थी वो मान ली गई, फिर ये दौरे अब क्यों जरूरी हैं? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हत्या हुई है वहां। ये तो क्या करेंगे वहां जाके आप? मैं बता रहा हूं ना, और सोची समझी हत्या है। मैं आपको एक दो तीन वाक्य बताता हूं। 2 महीने पहले बीजेपी यूपी के हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट करता है, किया जाता है, जिसमें योगी जी के पोस्टर का व्यक्ति राकेश टिकैत के बाल पकड़ के खींच रहा, और उसमें लिखा हुआ है, सुना लखनऊ जा रहे तुम, योगी बैठिया बक्कल ताड़ दिया करे, और पोस्टर भी लगवा दिया करे। फिर देश के गृह मंत्री कहते हैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, तुम मेरा पुराना इतिहास नहीं जानते। पुराना क्या, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला हुआ है क्या? नहीं नहीं गौरव, लेकिन वहां जाके देखिए सवाल सीधा था कि वहां जाके हासिल क्या होगा। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री एक लीडरशिप डेवलपमेंट एकेडमी चालू करते हैं कि किसानों का लठ मारो, किसानों का सर फोड़ो, जेल जाओ और सारी नेता बन जाओ। अब आपका सवाल पे जवाब देता हूं। ये बातें देखिए गौरव, ये बातें तो आप कर ही रहे ना। मेरा सीधा सवाल कि आप वहां जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? सीधा सवाल, हम ये हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो शोकाकुल परिवार को ढांढस बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर दो, हमारे दोनों राज्य सरकार, आप कह रहे हैं आप परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप परिवार को ढांढस बताना चाहते हैं? एक बात। हाँ, तो आपकी, मैं भी आपकी दूसरी बात पे भी आऊंगा। आपकी पहली बात, आप परिवार को साथ खड़ा होना चाहते हैं, परिवार का ढांढस बनाना चाहते हैं, सुन लेते हैं परिवार क्या कह रहा है, सुन लेते हैं। जो लवप्रीत सिंह का बहनोई लगता था रिश्ते में, ये चाचा जी हैं उसके, केवल सिंह जी, ये पूर्व प्रधान लाडी भैया, ये मौजूदा प्रधान सुखा भैया मेरे पीछे खड़े हुए हैं, सरदार बहादुर सिंह जी, सभी गांव के लोग चौकड़ा फार्म से बोल रहे हैं, हमारा बेटा, हमारा बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए, सभी से मेरी यही प्रार्थना है, धन्यवाद। गौरव, परिवार कह रहा है कि हम
संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के साथ हैं, प्रशासन ने जो मदद की उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ जो इस वक्त लेना चाहते हैं लोग वो कृपया न लें। आप कह रहे हैं हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ना आप नहीं। आज मैं बताता हूँ ना किशोर जी, अब आप ये बताइए, आपने तो एक रिश्तेदार का वीडियो सुना दिया, मेरे पास चार ऐसे वीडियो हैं जिसमें उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि गोली लगी है, ये जो पोस्टमार्टम हुआ है ये गलत हुआ है, वो भी दिखा देते हैं। वो बहराइच में कहा उन्होंने कि दोबारा पोस्टमार्टम कराइए, दोबारा हुआ। किशोर जी मेरे को मेरा समय तो दे दीजिए, मैं तो आपकी पूरी बात, अभी तक तो आप ही को समय दिया, बाकी तीन लोगों से तो बात भी नहीं की मैंने। आप मेरी बात पूरा ही नहीं होने दे रहे और आप अपना सवाल ले आते हैं, दूसरा मैं पूरा कर लूं फिर लाइए। फिर क्या किशोर जी, शोकाकुल परिवार जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उनको 50 लाख रुपए, हमारी दोनों राज्य सरकार, पंजाब सरकार भी 50 लाख रुपए प्रति किसान परिवार, छत्तीसगढ़ भी, और ना केवल किसान, जो जर्नलिस्ट जिसकी मृत्यु हो गई इस हादसे में, जिस कांड में, इस मैसेकर में, उसको भी हमारी दोनों राज्य सरकारें 50-50 लाख। तो ये देने के लिए आप जाना चाहते हैं जी? सुनिए आप आगे की बात सुनिए, दूसरी बात किशोर जी, जब तक कोई राजनीतिक दल दबाव नहीं बनाएगा, वो हत्यारा गृह मंत्री का बेटा पकड़ा नहीं जाएगा, आप ये समझिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गृह मंत्री उसके पिताजी कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते। मैं पूछता हूँ, मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी बताओ ना क्या पृष्ठभूमि है जी? मंत्री जी मोहसिन साहब, न्यूज 18 के दर्शकों को बताओ ना मंत्री जी, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनको क्या नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है क्या मंत्री जी, बताओ ना प्लीज। मैं अपनी बात यहीं पे मोहसिन साहब, मोहसिन साहब जी को सुनूंगा। मोहसिन साहब देखिए किशोर, विपक्ष इस समय ऐसे घटना के समय जो बहुत दुखद है, जहां सरकार की संवेदना उन परिवारों के साथ में और उनके साथ खड़ी है, और आपने देखा कि परिवार का पक्ष भी आ गया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा हम कितने संवेदनशील हैं, हम वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर रहे हैं, जो घटना में लोग शामिल हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया है, हम उसकी जांच करके उन तक पहुंचेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं विपक्ष या कांग्रेस, आज कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है कि हम वहां यूं जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए। अरे भाई, आपके राज्य में तो किसानों ने आत्महत्याएं की हैं मजबूर होकर, आपने गोलियां चलवाने का काम किया है किसानों पर, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? और विपक्ष का आचरण ऐसा है जैसे भूखा गिद्ध लाशों पर टूटता है, तो ये चाहते हैं कि दंगा कराओ, लाशें गिराओ, और जब लाशें गिरे उस पर हम अपनी रोटी सेकें। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय पर विपक्ष इस तरह का नकारात्मक रोल प्ले कर रहा हो, जहां पर कानून व्यवस्था बनाई जा रही हो, जहां पर घटना के बाद फौरन तौर पर पुलिस प्रशासन का अमला भेजा गया हो, जहां पर मुख्यमंत्री खुद अपने दौरे रद्द करके बैठकर रात में मीटिंग कर रहे हो हाई प्रोफाइल, वहां पर विपक्ष नकारात्मक रोल, सुबह पुलिस की गाड़ियां जला रहा है, सड़कों पर भीड़ लगा रहा है, जाम लगा रहा है, ये प्रवृत्ति किसकी होती है? आप इस तरह की राजनीति करते थे, इसीलिए आप बाहर हैं आज, और हम जनता के हितों के लिए हैं, वो सारे परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। हमने आठों परिवारों के लोगों से मिलकर, आठों परिवारों ने जो कहा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम, लेकिन विपक्ष को कम से कम ऐसे समय में अपने संवेदना को व्यक्त करना चाहिए। इनकी संवेदना मर गई है विपक्ष की, क्योंकि इसलिए लाशों पर राजनीति वही करते हैं जिन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करनी होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में और राष्ट्र के लोगों के हित में राजनीति करती है। हम चलिए 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 मोहसिन साहब, सुनील यादव जी हमारे साथ, सुनील जी बताइए, क्या कौन सी मांगे किसानों की जो नहीं हुई, मांगी गई, मानी गई इस पूरे प्रकरण में, ये बताइए आप। देखिए किशोर जी, मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्यों? कि वो माननीय मंत्री जी जिन्होंने संविधान की शपथ ली कि बिना द्वेष भावना के तहत हम लोग काम करेंगे, वो किस तरीके से विपक्ष पर आरोप उठा रहे हैं। मैं किशोर जी, आपने जहां से डिबेट शुरू की, आपने कहा कि 24 घंटे में सुलह का रास्ता योगी सरकार ने निकाल लिया, मतलब 24 घंटे में निकाल लिया, कमाल हो गया, हम बधाई दे दें। लाश घर के सामने पड़ी रही, घर के लोग चीखते रहे, और आपने सुलह कैसे निकाल ली, जैसे गोरखपुर का वीडियो पूरे देश दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जिसका पति मरा, जिसका बेटा मरा, उस जिले का डीएम, उस जिले का एसएसपी, एसआईटी किस लिए बनी है?
आप अमनी तो जांच होगी ना पड़ेंगे सुनील जी, मैं ये कह रहा हूं विपक्ष को वहां जाना जरूरी है। किशोर जी हाँ विपक्ष क्या, विपक्ष एसआईटी है क्या, विपक्ष क्या करे, मुझे बताइए क्या करेगा, हासिल क्या करेगा ना? नहीं ना, हाँ ये मैं आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता तो मुझे लगता है कि अब तक ये जो सरकार जांच की तरफ बढ़ी है ये बढ़ती नहीं। कितने दिन हो गए और मेरे केवल माननीय मंत्री जी से केवल कुछ सवाल हैं। एक तो आप साफ करिए आपकी नियत न्याय देने की है या नहीं है। दूसरी बात, अभी तक किशोर जी जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ या कुचला गया वो गाड़ियों का नंबर पुलिस उपलब्ध नहीं करा पाई, हमारे आपके सामने देश के सामने नहीं रख पाई गाड़ियों के मालिकों से। मुझे सुनील जी ये बताइए ये जांच में नहीं होगा क्या ये सब? अतीत वहां गए थे? नहीं नहीं मैं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं ना कि FIR हो गई, गृह राज्य मंत्री के बेटे FIR में हैं, गृह मंत्री के खिलाफ भी FIR हो गई और वो बाइट देते फिर रहे हैं। अरे कौन सा न्याय, मतलब पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा क्या काम करना है? और जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर रहेंगे आप बता दीजिए कौन पुलिस अधिकारी बड़ा है जो उनके खिलाफ जाकर के कार्रवाई कर सकता है? यही तो विपक्ष की मांग है। अरे भाई आपको लगता है मंत्री FIR में नाम नहीं है गृहमंत्री के बेटे का? जांच आ जाए, FIR में नाम नहीं है गृहमंत्री के बेटे का? मुझे नहीं जी? आप प्लीज मुझे समझाने की कोशिश करिए कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जो जो मांगे थी वो तो मान ली गई, उसके बाद क्या करना है? कौन सी मांग है जो नहीं मानी गई है? नहीं मैं केवल किशोर जी ये कह रहा हूं, नहीं मैं किशोर जी केवल ये कह रहा हूं, अगर सरकार ने सब कुछ ठीक कर लिया, सरकार मदद करना चाहती है, तो जो विपक्ष के नेता जैसे आपने वीडियो सुनाया, हमने सुन लिया, देश ने सुन लिया, लेकिन जब तक विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे हो सकता बंदूक की नोक पर वो बयान दिलाया गया हो। वो वीडियो में यही कह रहे हैं कि प्लीज बताइए, प्लीज इस पे, वो यही कह रहे हैं कि राजनीति इस पे, राजनीति के लोग ये बता सकते, राजनीतिक लाभ ना लीजिए। नहीं लाभ नहीं ले रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन सच जानने जा रहे हैं कि क्या आपके पास कोई वीडियो है, आपके पास कोई वीडियो है जिसमें ये कह रहे हो कि आइए अखिलेश यादव यहां आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, या मांग कर रहे हो, आपके पास कोई है? मैं मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ न लें। वीडियो है, मैं किशोर जी मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस पर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ नहीं ले रहा है। चार दिन पहले गोरखपुर से उनके सरकार के डीएम SSV का जिस तरीके से वीडियो आया है, हम लोगों को लगता है ये जो परिवार के बयान आ रहे हैं ये उसी तरीके से आ रहे हैं। यार सरकार इस पर क्या कहेगी? मैं बहुत किशोर जी आपके परिवार में जाकर के बड़े पुलिस अधिकारी या बड़े अधिकारी आपको धमकाएं सरकार के और कहें कि आपको बयान देना है। सुनील जी माफ कीजिएगा सुनील जी, मुझे मैं अभी भी समझने में मुझे दिक्कत हो रही है या मेरी समझ ही कमजोर लग रही है मुझे। रजत जी हमारे साथ है, रजत जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि परिवार कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक लाभ न लें, पार्टियां कह रही हैं कि हमें वहां जाना है, SIT हो चुकी, जांच की जो बात मांगी थी वो हो चुकी, मुआवजे की मांग हो चुकी, दूसरी बार पोस्टमार्टम हो चुका है एक बहराइच में जहां मांग की गई थी, FIR में नाम है केंद्रीय मंत्री के बेटे का, और क्या? देखिए किशोर जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। दरअसल इनकी जो राजनीतिक दल हैं, इनकी विपक्ष के, इनकी मंशा राकेश टिकैत जो खुद संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी समझ ली थी और अभी कई रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसमें राकेश टिकैत ने खुद सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, जिन्होंने पहले एक बार बातचीत करने की कोशिश करी थी किसान समूह से, उन राकेश टिकैत जी ने खुद कहा था कि कृपया करके विपक्ष को यहाँ मत आने दें क्योंकि ये माहौल खराब करेंगे, ये खुद उनके शब्द हैं। अब आप समझ लीजिए जब किसान नेता जो अभी काफी हद तक रिकॉग्नाइज किसान नेता है इस आंदोलन के, वो खुद बोल रहे हैं कि इनकी मंशा वही है क्योंकि इन्होंने कभी भी किसानों के लिए खड़े नहीं रहे। ये कांग्रेस पार्टी में जो राकेश टिकैत की आप बात कर रहे हैं अजय जी, गौरव जी, राकेश टिकैत ने तो खुद बैठे थे ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ। मैं वही बता रहा हूँ ना किशोर जी, मुझे ये आप गौरव जी से पूछिएगा, जिस पार्टी का इतिहास मुलताई हत्याकांड में जिसमें 23 मजदूर किसानों को सामने खड़ा करके गोलियों से भूना जाता है, वो उनका मॉडस ऑपरेंडी है उस पार्टी का, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं?
उनको तो उनको अभी अभी छत्तीसगढ़ के आज मुख्यमंत्री गए थे, अभी कुछ एक महीने पहले की बात है जहां पर इन्होंने 8 ट्राइबल किसानों को भून दिया उनकी पुलिस ने, वहां पर क्यों नहीं, वहां पे एक बार भी मुख्यमंत्री गए जाके समस्या का समाधान करने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसमें कि भूनना पड़ गया उनको ट्राइबल गौरव जी, गौरव जी वहां पर नहीं जाएंगे ये गौरव जी, गौरव जी को पता भी नहीं होगा शायद अभी ये जो हुआ है छत्तीसगढ़ में जी, उनको वहां राजनीतिक रोटियां सेकनी है जी। आज सारा ज्ञान आप ही को है, पर मैं आपसे वन टू वन नहीं करना चाहता। प्लीज आप बता दीजिए शांति से। नहीं देखिए मैं खुद पान ऐसा पर्सनल एक्विजिशन क्यों कर रहे हैं आप? सुनिए अब क्या हुआ, मैंने मंत्री जी से सवाल क्या पूछा, आपने क्या पूछा कि गृह मंत्री जी का क्या इतिहास है जिससे वो बार बार कह रहे हैं, दोनों ना तो विश्लेषक साहब बता पाए ना मंत्री जी बता पाए। मंत्री जी उनका इतिहास है कि वो हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। क्या बताएं आपका गुंडे इतिहास तो पूरा देश जानता है। सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए, कांग्रेस का इतिहास तो गौरव मंत्री जी पूरा देश जानता है। देखिए आपका इतिहास तो पूरा देश जानता है, बीच में कूदेंगे हम, अभी की बात कर रहे हैं ना वर्तमान की, अरे भाई सवाल को विषयांतर क्यों कर रहा है, कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। सुनिए आप तो 32 साल से उत्तर प्रदेश से, सुनिए ना मंत्री, उत्तर प्रदेश में आपका वजूद खत्म हो चुका है, आप यहाँ पर एक नेता आएगा दो गौरव जी देखिए, गौरव जी देखिए आप किसी और मुख्यमंत्री, आप सवाल से भाग रहे हैं गौरव जी, दो मुख्यमंत्री आप राजस्थान नहीं जाएंगे, आप राजस्थान नहीं, ये आप विचारधारा और ये बहस अभी की नहीं है ना, ये बहस उस पर नहीं है, बहस इस बात पे हो रही है कि जब जो बातें कही गई, जो मांगे बातें की गई वो पूरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय दिलाती है, आप अन्याय करने की सरकारें चलाते थे कि गोडसे की तरह बात नहीं, आपने ये पूछा किशोर जी हासिल क्या करेंगे, हासिल अगर हम नहीं जाते किशोर जी तो आज आप डिबेट नहीं कर रहे होते, किसानों का मुद्दा मुख्य मुद्दा नहीं होता आज शाम को, कल शाम को, परसों शाम को नहीं होता, और हासिल यह करेंगे कि जिस मंत्री पुत्र ने अपनी जीप के नीचे 4 किसानों को रौंदा उसको जेल भिजवाएंगे। किशोर जी आप बताइए, हमारे आपसे सवाल, जो किसान थे वो भी हमारे थे, बीच में नहीं, बीच हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से बर्बरता से मारा गया, मंत्री जी बीच में नहीं, कांग्रेस को आपके गृह मंत्री लोगों ने मारा है, आपके लोगों ने मारा है, बोलिए कि आपके लोगों ने मारा है, जो गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, गौरव जी बहुत बुरी तरीके से बर्बरता से बीच में मत आइए, जब मारा गया, एक मिनट मोहसिन साहब, इन्होंने मोहसिन साहब कांग्रेस के लोगों ने मारा है, मोहसिन साहब एक मिनट, गौरव जी, गौरव जी आपने कहा डिबेट कर रहे हैं, डिबेट तो कश्मीर पे भी हो रही है, अरे सुनिए ना, डिबेट तो कश्मीर, डिबेट तो खबर पे होती है ना, आप सुनिए, डिबेट तो खबर पे होती है और तब से हो रही है, जब से आपसे ट्वीट कर रहे हैं आपके नेता, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं तब से डिबेटें हो रही हैं। अरे किशोर जी सबसे पहले प्रियंका जी गई है वहां पे और किस तरह से उनको रोका देश ने देखा, मेरा सवाल एक सिंपल सा है किशोर जी और सारे आपके दर्शकों से, अगर मैं गलत बोलूं तो बताइए, आपके देश के गृह मंत्री जो पुलिस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है होम मिनिस्ट्री, उसके गृह मंत्री वो देखिए साहब, आप नहीं, आपने कहा कि आप इसलिए जा रहे हैं ताकि ये मुद्दा चर्चा में आए, आपके साथी, आपके विपक्ष के साथी कह रहे हैं आपसे ट्वीट ट्वीट खेलते हैं, टीएमसी कह रही है आपसे ट्विटर ट्विटर पे रहते हैं, 4 किसान भाई मारे गए और 4 कार्यकर्ताओं को डंडों से पीट पीट कर मारा गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उसमें कांग्रेस का हाथ था कि सपा का हाथ था वो बताए, ये दंगा कराने की साजिश थी कि नहीं थी, मंत्री जी हमारे नेहते कार्यकर्ताओं पर जो दुर्घटना के बाद की घटना है, एक दुर्घटना हुई वहां पर, हमें उसकी पूरी संवेदना है, हम उसको भी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन हमारे 4 कार्यकर्ता जो मारे गए जिनको लाठी डंडों से पीट कर मारा गया है, उस पर कांग्रेस क्यों चुप है, हमने और आप किसानों की बात करेंगे, आप क्या किसान की बात करेंगे, आपको तो अधिकार नहीं है, आप ना किसान की बात कर सकते हैं ना हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, आपने हिंदुस्तान के खिलाफ सरकार चलाई है,
और आपने कभी जनहित की सरकार नहीं चलाई है। गौरव जी मोहसिन साहब गौरव जी वक्त यहाँ अफसोस खत्म होता हुआ। रजत जी आई एम वेरी सॉरी सुनील यादव जी, लेकिन जो बात आप ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो परिवार है वो भी यही कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक लाभ लेना बंद कीजिए इसमें। हाँ, हम संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कहा किया उसके साथ हैं, ये परिवार ने अभी बोला है और ये कहा है कि जो बाकी लोग इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी पार्टी से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही हो, बात सिर्फ एक या दो पार्टी की नहीं है, तीन पार्टी की नहीं है, और कुछ तो पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं कि साहब ये तो ट्वीट खेलते थे, टीएमसी और कांग्रेस, तो टीएमसी तो सीधा राहुल गांधी पर ही हमला कर रही है। वहां पर किसानों के परिवार कह रहे हैं कि प्लीज राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ना करें इस वक्त, इस घटना पर कम से कम इसकी जरूरत